बताइए भाई, कहाँ से हैं आप? ठीक, क्या नाम है आपका? इससे पहले भी आए थे हमारे खालू जब ठेस का मसला था। ठीक, पहले आ चुके हैं आप? आ चुके थे, हम नहीं आए थे, वो आए थे खालू। आपके खालू आए थे? ठीक, अभी कहाँ जाना चाह रहे हैं? अभी तो सऊदी। किस काम में? फिलहाल तो ड्राइवर का सोच रहे हैं, और कोई भी वैकेंसी अगर मिले। ठीक है, आप ड्राइवर में जाना चाह रहे हैं। आप ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? ड्राइविंग हो गया एक साल के ऊपर। एक साल के ऊपर तो बहुत कम टाइम में, आप बहुत कम टाइम हुआ आपको, एक्सपीरियंस बहुत कम है ड्राइविंग का। आपको बाहर ड्राइवर कर लेंगे आप? कौन कौन सी गाड़ी चलाई अभी तक आपने? फॉर्चुनर, सिलेरियो, अल्टो। ठीक, लाइसेंस है? थोड़ा तेज बोलिए भाई, सुनाई तो। लाइसेंस है सर। लाइसेंस है इंडियन? लाइसेंस कितना पुराना है? लाइसेंस 1-1.5 साल हो गया है। ठीक, अच्छी बात भाई, गाड़ी बढ़िया चला लेते हैं जी है। तो बाहर अगर आप जाना चाह रहे हैं इंडियन लाइसेंस पे लाइट ड्राइवर में, फैमिली ड्राइवर की जॉब होगी सऊदी के लिए, जाएंगे? वीजा रेडी है हमारे पास, जाएंगे आप? जी, फैमिली ड्राइवर में काम कर लेंगे। फैमिली ड्राइवर में आपके घर का या आपके कोई जानने वाला है बाहर? हाँ है, तो वो लोग कतर में है। कोई बात नहीं, कुछ काम के बारे में नॉलेज है कि क्या क्या करना पड़ता है? हाँ है कि मतलब कोई पर्सनल ड्राइवर है तो ड्राइवर नहीं रहेगा, उसका घर का भी देखना पड़ेगा। अदर ये बात क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इतराज करते हैं ना, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ जाके इशू करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि बस हम आए हैं तो सिर्फ कार के स्टेयरिंग पे बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। तो एक बार हम भी जाएंगे कि आपको हम बता दे रहे हैं खुद से भी कि क्या क्या करना पड़ेगा, आप सुन लीजिए, उसके बाद ओके करिए, और फिर कंपनी की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो भी हम आपको बता दें। जब आप ओके करेंगे तो अप्लाई करिए। देखो भाई, फैमिली ड्राइवर में ये क्लियर है ना कि फैमिली ड्राइवर में जाना चाह रहे हो? तो बात करें, क्लियर है? फैमिली ड्राइवर में जो जो करना पड़ता है वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप घर में एक ड्राइवर की तरह होते हैं गल्फ में, तो एक समझिए घर का एक नौकर है। दूसरी बात ये कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटे ड्यूटी है। उसके बाद घर का सारा काम करना पड़ता है आपको, कूड़ा भी आपको फेंकना है, गाड़ी भी आपको सफाई करनी है, धुलाई करनी है, घर की सफाई भी महीने में एक आध बार वो बोल सकते हैं आपको करने के लिए, बच्चों को स्कूल भी ले जाना है, घर में अगर गार्डन पेड़ पौधे लगे तो उसमें पानी भी आपको टाइम से डाल देना है, घर की दवाई हो गई, खाना हो गया, सब्जी हो गया, कपड़े प्रेस कराना है, मैडम कफीर को कहीं भी लेके जाना है, रिश्तेदारी में पिकनिक मनाने ले जाना है, एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, पार्क ले जाना है, शॉपिंग कराने ले जाना है, सब जगह आपको जाना होता है। और टाइमिंग कोई नहीं है, वो कभी भी आपको बोल सकते हैं। तो कर सकते हो, आपका मिजाज हो ये कि हाँ ये हमसे हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिंदास आदमी अगर आप हैं तभी हो पाएगा। अगर बिंदास आदमी नहीं है, अगर आप ये हैं कि अगर आपने किसी से आपसे दो बार काम बता दिया तो आपके झल आ रही है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए, फिर हम आगे की बात करें। ठीक है कर लेंगे काम। फिर आप जाके बोले कि यार हमसे जो है गाड़ी इतनी धुलवा रहे हैं, घर सफाई करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। काम करो। अभी देखो फ्रेश ड्राइवर में गल्फ जाने के लिए काम तो बहुत सारे हैं, हर काम की अपनी खासियत है। फ्रेश ड्राइवर में अब ड्राइवर के तौर पर आप जा रहे हो तो इसकी क्या खासियत है, कुछ मालूम है आपको? चलिए ड्राइवर छोड़ो, किसी किस काम में जाना चाहोगे आप? भाई हमारा फील्ड में जो मिलेगा तो वो है, तो क्या बताइए, हम फर्नीचर टाइप का है, मल्टीवुड, पीवीसी मल्टीवुड है, पीवीसी का पीवीसी फर्नीचर कारपेंटर अगर हो, फिनिशिंग कारपेंटर हो, अच्छे कारीगर हो, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में पास हो गए तब होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा, फर्नीचर टाइप का है हमारा, पर हम पीवीसी यूज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, फर्नीचर कारीगर हो, पूरा काम उसको आता हो, हर चीज बना लेता हो फर्नीचर में, फिनिशिंग कारपेंटर हो, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में आपको दिखाना पड़ेगा काम करके, पास होंगे तब सिलेक्शन होगा, आईएसएम में होगा। तो अगर आप ड्राइवर की जॉब कर सकते हो, ड्राइवर में जाना चाहते हो, फैमिली ड्राइवर का काम करना है, तो आप इसमें अप्लाई करिए। फैमिली ड्राइवर में एक बेनिफिट आपका अच्छा है कि आप किसी घर में 2 साल रह के काम करते हो, एक तरह से समझिए नौकरी और जो खिदमत करते हैं, तो आपका वहाँ का लाइसेंस बन जाता है। लाइसेंस कितना? लाइसेंस बन सकता है, आप जब जाओगे 2 महीना लगेगा, मैक्सिमम 2 महीना लगेगा लाइसेंस बनने में, उससे कम नहीं लगेगा। ठीक,
लाइसेंस बनने के बाद जब आप कभी सफर करते हो कहीं भी और बड़े आसानी से आपकी जॉब मिल जाती है, आप मान लीजिए गल्फ में रहे कहीं रहे, आपकी उम्र बाद में 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 42 साल हो गई, कोई मसला नहीं है, आपके पास एक चीज रखी है पॉकेट में, कभी भी आपने बोला कि भाई आपने अपने हालात देखे कोई मसला है, आपने बोला भैया फैमिली ड्राइवर में जाना, ये हमारा लाइसेंस है, फौरन आपको 1800 रुपया सैलरी मिलेगी, कम से कम सर्विस चार्ज में आप पहुंच जाएंगे वहां। ये एक फायदा बहुत बड़ा है, एज का कोई इशू नहीं होता है, 45 साल 50 साल तक के ड्राइवर रिटर्न ड्राइवर जाते हैं, और अगर लड़का पढ़ा लिखा होता है तो फिर वो कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, कंपनी ड्राइविंग में ज्वाइन कर लेता है, फिर उसमें फिक्स ड्यूटी हो जाती है। लेकिन ये चीजें तब होगी जब आपके पास लाइसेंस हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है भाई, तो फ्रेश ड्राइवर में जाना चाहते हो, सब कुछ हम बता दे रहे हैं आपको, सर्विस चार्ज भी बता दे रहे हैं, कंपनी के पॉलिसी भी बता दे रहे हैं, काम आप समझ गए। ठीक है, पासपोर्ट कौन सा है आपका? पासपोर्ट है, मार्कशीट वाला है, और लाइसेंस मौजूद है आपका। ठीक है, और गाड़ी आप बड़ी फॉर्चूनर साइज की गाड़ी चला लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो वीजा हमारे पास मौजूद है ये कंपनी का वीजा है। किसका है भाई? कंपनी का। अब ये चीज क्यों हम कह रहे हैं कंपनी का है, दो तरह से होता है फैमिली ड्राइवर का वीजा, इस चीज को हम पहले से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाद में आप नहीं कहोगे हमको बताए नहीं थे। दो तरह का वीजा होता है, एक होता है कि जिस घर में आपको जॉब करनी है फैमिली ड्राइवर जिसको चाहिए वो खुद ही वीजा इशू करता है, मतलब कफील है उसको ड्राइवर चाहिए, रिटर्न ड्राइवर, फ्रेश ड्राइवर चाहिए, तो खुद वीजा निकाल के आपको भेजेगा, हमको भेजेगा कि एक फ्रेश ड्राइवर दे दो। एक ये हो गया, एक ये होता है कि फैमिली ड्राइवर जो सऊदी है उसको एक फ्रेश ड्राइवर चाहिए लेकिन वो वीजा नहीं निकालता है, वो एक कंपनी से बोलता है कि हमको एक ड्राइवर दे दीजिए, तो कंपनी उसको ड्राइवर देती है। ठीक है, तो ये जो वीजा है, चूंकि मार्केट में फ्रेश ड्राइवर का वीजा डायरेक्ट कफील का नहीं है, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, सब कंपनी से ले रहा है। अब कंपनी के आप कंपनी आपको बुलाएगी फैमिली ड्राइवर के लिए फ्रेश ड्राइवर के तौर पे, आपको ट्रेनिंग देगी, आपका इकामा बनाएगी, आपका लाइसेंस बनाएगी, और फिर आपको वो एक घर में लगाएगी जॉब करने के लिए, उस घर में आप काम करेंगे। लाइसेंस जब तक आपका नहीं बनेगा 2 महीना लगेगा, 2 महीने तक आपको खाना खर्चा मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। जब आप ज्वाइन कर लोगे फैमिली ड्राइवर की जॉब, घर पहुंच जाओगे, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें और उसमें फर्क क्या है, फायदा क्या है, हम आपको बता देते हैं, जो एकदम लॉजिकल बात होगी। जब आप डायरेक्ट कफील के पास जाते हो, वीजा डायरेक्ट कफील दिया आपको, आप उस वही आपका कफील है, उसी के पास आपको काम करना है, तो अगर आपसे मनमानी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर वो आपसे वो काम भी करा रहा है जो फैमिली ड्राइवर को नहीं करने होते हैं, या वो आपको टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है, तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हैं, फिर आप उससे डायरेक्ट ही आपका मामला रहता है। अगर आप उसको बोलते हैं कि हमको ट्रांसफर दे दो, तो आपको बोलते हैं हमको 10,000 रियाल दो, वो अगर आप उसको बोलते हैं कि हमको घर जाना है, तो वो बोलते हैं एग्जिट लगाने के लिए हमको 5,000 रियाल दो, हमारा वीजे का पैसा खर्चा हुआ है हमारा, इसमें उसमें ही काम हम बोल देगा, लाइसेंस में बता देगा, मतलब बोलेगा 10,000 रियाल दो। तो आपके पास दो दो फिर मसला रहता है, या तो आप उसके पास काम करो, या तो भागो, या तो उसको पैसे दो। कंपनी के पास जाने का क्या फायदा है कि जब आप किसी कंपनी के पास जाते हो, तो वो कंपनी को जब भी कोई आपसे गलत काम ले रहा है, वो काम नहीं जो मान लीजिए फैमिली ड्राइवर कर रहे हो, तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई आप नहीं कर सकते कि हम ये गाड़ी नहीं धुलेंगे और हम जो है इतना काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं माना जाएगा। उसके अलावा किसी काम में आपको लगा दे, मान लीजिए वो ले जाके बोला मजरे में चलो कुछ काम है वहाँ थोड़ा सा करो, बोला हमारा वो घर बन रहा है थोड़ा वहाँ खुदाई उदाई करो, समझ रहे, तो करवाएगा नहीं ना, ये सब अगर करवाएगा तो आप क्या करेंगे, कंपनी को बोलेंगे भाई ये घर में हमको काम नहीं करना, हमें कोई और लगा दो, तो कंपनी क्या करेगी, कंफर्म करेगी तुम्हारी बात सही है कि गलत है, अगर बात सही है तो फिर वो आपको वो घर छुड़वा के दूसरे घर में लगा देगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, वरना एक तरह से समझिए जब कैंडिडेट डायरेक्ट कफील का वीजा होता है, तो उसमें एक तरह का आदमी जाल में ट्रैप में फंसा रहता है कि वो क्या करे, कफील 2 साल तक सुनता रहे, या फिर जो है भागे, और या फिर जो है उसको 10,000 रियाल दे करके और वापस आए, या नकल कफाला कराए। ठीक, तो ये एक फायदा है। तो कंपनी में हमारे पास जो वीजा है वो कंपनी का है, आपको कंपनी का नाम है, कंपनी को 25 फ्रेश ड्राइवर देना है, कंपनी के पास जाओगे कंपनी आपका इकामा बनाएगी, इकामे में पैसा लगता है, आपका मेडिकल कराएगी मेडिकल में पैसा लगता है, आपका लाइसेंस बनाएगी लाइसेंस में पैसा लगता है, आपको रहने का देगी रहने में पैसा लगता है,
आपको खाना खर्चा देगी, उसमें पैसा लगता है, फिर वो आपको और साथ में ट्रेनिंग भी देगी, कार भी चला के चलवाएगी कि ऐसे चलाना है, ये नहीं ले जाके बस सीधे लगा दिया और ठोक दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपको किसी घर में लगाएंगे तो वहां आपको सारी जिम्मेदारी से काम करना है, ये चीज है। एग्री अगर आप हो तो हम इस चीज में अप्लाई कर दीजिए। भाई सर्विस चार्ज फ्रेश ड्राइवर में हम आपसे 1,05,000 रुपए लेंगे जी भाई। 1400 रुपया सैलरी वही रहेगी जो डायरेक्ट कफीर में मिलता है, ये इसमें खाना है 1200 सैलरी, 200 खाना, 1400 रुपया। अब उसको चाहे खाना अपना समझो या खाना उसका समझो, 1400 रुपया सैलरी है और यही मिलता है सैलरी, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। फ्रेश ड्राइवर में तो नहीं मिल सकती, हेल्पर में, लेबर में, बाइक राइडर भी 1400 रुपया है जी। फ्रेश ड्राइवर में आप जाएंगे आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, खाने पीने का जो घर से मिल जाता है वो लोग देते रहते हैं, कुछ खाने का दे देते हैं, बाद दफा कुछ सामान वगैरह कुछ पैसे भी दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। एक्स्ट्रा इनकम आपका लाइसेंस है, कार का लाइसेंस है, ये आपका एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। लेकिन बाइक राइडर में क्या है कि आपको हर रोज एक्स्ट्रा इनकम होती है, आप 1400 रियाल के बजाय हर महीने कम से कम 2000 रियाल 1800 रियाल तो कमाते ही कमाते हैं बाइक राइडर में जी। अब बाइक राइडर की जॉब और फ्रेश ड्राइवर कार ड्राइवर की जॉब में बहुत फर्क है, उतना ही फर्क है जितना एक बाइक से चलता है और एक कार से चलता है, ठीक भाई, इतना ही फर्क समझिए। जैसे एक आदमी बाइक रोड पर बाइक से जाता है और एक आदमी कार से जाता है, तो ये फर्क है। बाइक राइडर में आपको हर टाइम फील्ड में रहना होता है, ये चीज इसलिए करें कि वो करें जो कर सके, चाहे वो फैमिली ड्राइवर की जॉब हो चाहे वो बाइक राइडर की जॉब हो, कभी केवल सैलरी के लालच में नहीं जाना है आपको, साथ साथ ये भी देखना है कि ये काम हमसे हो भी पाएगा कि नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स केवल पैसा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा सभी देखते हैं, तो हर कोई अंबानी नहीं बन पाता है। चलिए बेहतर, अगर आप रेडी हैं, देखो कुछ बचा हो तो समझ लो। और एक चीज और भी हम आपको बता दे रहे हैं बहुत जरूरी, जब आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद जब आप मेडिकल करा के जमा कर दोगे, फिर आप कैंसिल नहीं करोगे, कैंसिल करोगे तो जो आप एडवांस पेमेंट करते हो 20,000 रुपए, फिर वो वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो काम शुरू कैसे होता है, सबसे पहले हम आपके डॉक्यूमेंट आगे भेजते हैं सिलेक्शन के लिए, जब हम आगे भेज देते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है, वहां से अगर वापस कर रहे हैं कि वो नहीं जाएगा किसी वजह से मना कर दे, तो बहुत बात खराब होती है। तो उस बात को सही करने के लिए हम लोग पेमेंट ही करते हैं, एडवांस पेमेंट कर, भाई वो उसका पेमेंट हम आपको करते रहे, वो नहीं जाएगा हम क्या कर सकते, ठीक। तो इसीलिए अच्छे से मन बनाइए, घर पे भी समझिए, सर्विस चार्ज का देख लेंगे कोई बात नहीं है, वो तो हमारा आपसी इत्तेफाक है ना, लेकिन जो चीजें बता रहे हैं पॉलिसी को लेकर के पहले आप क्लियर करिए, सबसे पहले काम क्या आपको करना क्या है, दूसरे नंबर पे सैलरी, ठीक है आप एग्री हैं, तीसरी बात सबसे अहम क्या है कि आप जाओगे कंपनी के पास, वीजा किसका होगा, कंपनी का होगा, कंपनी आपको किसी भी सऊदी के घर में लगाएगी काम करने के लिए, उसका फायदा क्या वो भी हमने आपको बता दिया, आप समझ में आया नहीं समझ आया वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा अगर जैसा आप बताएं अगर एक्सीडेंट ऐसा होता है तो फिर ऐसा ही कंपनी के में ऐसा ही, ये तो रियल बात है ना भाई, नहीं वही जब आप किसी कंपनी, आप देखिए आप चूंकि आप सऊदी के वो नहीं हो नौकर, तो सऊदी आपको तो रोक ही नहीं सकता, सऊदी तो आपको आपका हाथ नहीं पकड़ सकता क्योंकि आप उसके नहीं हो, आपके ही काम है पर उसका नाम नहीं है, ठीक है, आप वो आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, उसको अगर कोई शिकायत करनी होगी तो किससे करेगी, कंपनी से करेगी, हमको भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम भी कंपनी से, आप भी कंपनी से। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमेशा से होता है, जैसे फैमिली ड्राइवर में लोग जाते हैं, बात भाई नसीब की बात है, सब खुश नहीं होते, हाँ सब खुश नहीं होते और सबका जो है बुरा भी नहीं होता, तो इसलिए जो फैमिली कंपनी ड्राइवर एक सेफ लेके चल सकते हैं आप, तो ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद कंपनी के पास आप जाओगे, हमने आपको सारी चीजें बताई कि कंपनी आपके ऊपर पैसा खर्च करती है, दो महीने सैलरी यहाँ जो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही दो महीना तो आपको मिलेगा ही नहीं, कि दो महीने में आपका मेडिकल, आपका इकामा बनना, आपका लाइसेंस बनना, ये सब उन दो महीने के पीरियड में होगा। ट्रेनिंग किस टाइप की, गाड़ी चलाते हैं आपको,
गाड़ी चलाते हैं, आपको सिखाते हैं किसी फैमिली ड्राइवर में आपको रहना कैसे है, बिहेवियर आपका कैसे होना है, दाढ़ी मूछ किस कैसे रखनी है, बाल कैसे रखना है, ये सब चीज़ें। और आदमी तब तक थोड़ी अरबी भी जान जाता है, कि सऊदी के घर पहुंचा तो उसको पता है कि क्या बोल रहा है हमसे, ये चीज़। ठीक भाई, कंपनी में आप जब वक्त गुजारते हो तो आपको ये भी समझ आ जाता है कि जब हम कहीं हमको लगाएंगे तो हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वापस कैसे आएंगे, है ना, ये सब भी सीख जाता है। 2 महीना बहुत होता है। एग्री हैं? हम तो एग्री हैं, ये जैसे आप बताए हैं जी, अगर ए टू जेड ऐसा हो, बिल्कुल ए टू जेड ऐसा ही होगा, तभी हर बात खुल के बताई है। आप बताए कुछ और वहाँ बाय चांस हो कुछ और, आप बता दीजिए, जैसे कुछ और क्या हो सकता है बाय चांस, जैसे आप बताए कि हमने तो आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जो होनी थी। हाँ, होने बता दी, वही तो हम बोल रहे हैं, आप बता दिए। आप आज बात को समझिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सेफ चल रहे हैं, क्योंकि हमने कोई बात छुपा के रखी नहीं, हमने सब बता दिया। अब आप नहीं कह पाओगे कि आपने ये नहीं बताया था। वो बात है आपकी, क्योंकि ये ड्राइवर लाइन की हमारे कुछ दोस्त भी हैं केरल से जी, क्योंकि केरल के अधिकतर आदमी ड्राइवर हैं, तो वो हमको बताए हैं कि सब काम करना पड़ता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम खाली गए तो वहाँ बैठ के कार की एसी में एसी वाला ही मजा लोगे, यानी वो बोले मार्केट जाना है कहीं जाना है, वो चीज तो हम एग्री कर रहे हैं। बाकी हमको यही है कि अगर आप जैसा बताएं ए टू जेड ऐसा ऐसा ही होगा, ए टू जेड ऐसा ही होगा, एग्रीमेंट पे आपको जाना है, बिना एग्रीमेंट के आपको भेजेंगे नहीं, एग्रीमेंट भी होगा उस समय भी, यही सारी बातें होंगी जो हमने अभी आप बताई हैं, आपको कुछ भी अलग नहीं होगा। और फिर भी हम आपको बता दें, आप गल्फ जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, विदेश में 19-20 होता है, वो तो 19-20 को आपको एडजस्ट करना होता है, सब्र करना होता है, तो बस मसले नहीं, वही 1-2 महीने 3 महीने तो वो तो हम एडजस्ट कर ही, बस कोई इशू नहीं है, फिर आप एकदम बेहतरीन है समझिए। अब अप्लाई कर दीजिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, 1 महीने में आपकी टिकट हो जाएगी, 1 महीने मुंबई से टिकट होगी, ग्रुप टिकट होगी, और भी जो ड्राइवर्स हमारे आज ही सिलेक्शन चल रहा है, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन के लिए आगे भेज रखा है, कब वो डायरेक्ट भी आपसे बात करेंगे, जो चीजें हमने बताई है वही वो भी पूछेंगे, इसलिए कि हमने या बीच में कोई है उसने कुछ गलत तो नहीं बता रखा, जैसे कि लाइसेंस वाली बात कि भाई 2 महीना लगेगा, लाइसेंस बनेगा 2 महीने तक आपको खाना खर्चा मिलेगा, ये बात। दूसरी बात काम की बात, कि काम क्या क्या करना है ये कंफर्म करेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। तीसरी बात कि कंपनी का वीजा है, कंपनी के थ्रू आप फैमिली ड्राइवर में सऊदी के घर में काम करेंगे, ये सब चीजें समझेंगे। जवाब मान लिया उनको बातचीत से लगा कि यार ये ड्राइवर सही नहीं है, इसका बिहेवियर, इसका अखलाक, मिजाज अच्छा नहीं है, तो फिर वो कैंसिल कर दें, भले आप कितने ही रेडी हो। ये तो आप रेडी हो तो हम आगे काम आपका स्टार्ट करवा दें, ठीक है? सब कुछ सेम होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, कोई परेशानी हो तो आप उस पर कम्प्लेन कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दी जाएगी।